guys, welcome back to the channel Suraj and Shambhi TV. How are you today? So how is your weekend going on? और आपके वीकेंड को ज्यादा मजेदार बनाने के लिए आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज सोच रही हूँ. सबसे पहले फॉर दोज पीपल हु डोंट नो, मेलबर्न इज इन लॉकडाउन अगेन. दो हफ्ते का लॉकडाउन हुआ है, पहले हफ्ते से शुरू हुआ था, नाउ इट्स वन वीक मोर. सो मैं घर पे हूँ और मैं हो रही हूँ बोर. सो अब ऑफिस का भी काम हो गया, सारी चीजें हो गई. सो आई वॉज थिंकिंग, क्योंकि सूरज अभी ऑफिस गया हुआ है, सो आई वॉज thinking to prepare a nice chicken manchurian with fried rice. You can have a vegetarian option and use paneer instead if you guys are vegetarian. So main banaungi chicken manchurian and rice in a very quick and a smart way. So I'm not going to work hard, I'm going to work smart, and I'm going to surprise Suraj jab wo sham ko aayega ki mera khana kaise bana hai. So tab tak ke liye I think mujhe aap logo ko thodi si grocery shopping pe le jana hoga, where I'll pick up couple of things. And kyunki corona, I have to wear mask and everything, to main bahut केयरफुली जाऊंगी और आप मेरे साथ बहुत ज्यादा केयरफुली आइएगा. लेट्स गो. सो गाइस, सबसे पहले मैं लेने जा रही हूँ KFC के पॉपकॉर्न चिकन. उनका सेम ही वे होता है, वो वही कॉर्नफ्लावर को लगा के आपके लिए चिकन प्रिपेयर करते हैं. तो जैसे मैंने आपको बोला था, इट्स गोना बी फास्ट एंड क्विक कुकिंग. सो आई एम जस्ट गोना गो KFC और मैं फटाफट से ये चीज ग्रैब करूंगी, सो दैट मेरा चिकन बनाने का टाइम बच जाए, एंड देन वी विल वर्क ऑन अ करी एंड फ्राइड राइस. ओके, सो स्टे ट्यून्ड. सो चिकन इज देयर नाउ, चिकन ले लिया, नाउ लेट्स गो टू द ग्रोसरी. दूसरे हाथ पे नहीं लगाया है, बट लगाने लगी हूँ. सो आई एम जस्ट टेकिंग दैट. वील बी पिकिंग अप द स्क्रिम, द स्प्रिंग अनियन स्पंज. दैट्स समथिंग दैट कैन गो इन द मंचूरियन. गाइस, आई फाइनली घर पे आ गई हूँ. आई कुड नॉट शूट आउटसाइड प्रीटी मच बिकॉज इट वॉज नॉट अलाउड. लॉकडाउन चल रहा है एंड देयर वर लॉट ऑफ कॉप्स, सो आई थॉट ऑफ बीइंग वेरी सेफ एंड कंप्लाइंग टू द रूल्स. एंड जो जो सामान मुझे चाहिए था वो मैं ले आई हूँ. उससे पहले, क्योंकि ये कुकिंग चैनल नहीं है, तो मैं आपको बिट्स एंड पीसेस में दिखाऊंगी कि ये रेसिपी मैं कैसे बनाती हूँ, सो दैट यू गाइस कैन ट्राई इफ यू वांट टू ट्राई. इफ यू डोंट वांट टू ट्राई, डोंट ट्राई, जस्ट लाइक. एंड इफ यू जस्ट वांट टू सी मी ईटिंग, देन जस्ट स्टे ट्यून्ड. सो उससे पहले, सबसे पहले आप एक काम करोगे, आप अच्छे से बासमती राइस या अच्छे से जो राइस होते हैं, जो ज्यादा स्टिकी राइस नहीं होते, वो आप उबालोगे. बिकॉज हम उबले हुए चावल में, जब चावल गर्म होते हैं, हॉट होते हैं, वी नॉट गोना कुक. सो वी गोना कीप द चावल फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स अंटिल इट कूल्स डाउन, ओनली देन आवर फ्राइड राइस विल बी प्रिपेयर्ड. सो आप ये करिए, तब तक मैं आपको फिर से मिलती हूँ. सो गाइज, आई हैव गॉट माई राइस विच इज कोल्ड नाउ, एंड वो बन चुके हैं. सो व्हाट आई एम गोना बी डूइंग इज, आई हैव गॉट माई इंग्रेडिएंट्स विच इज, आई हैव गॉट स्प्रिंग onions, I've got carrots, I've got chopped bell peppers, जिसको capsicum भी बोलते हैं, जो अलग अलग colors में आती है. I've got my ingredients like oregano leaves, olive oil, olive oil भी मैं shallow fry वाला olive oil use करती हूँ, with a little soya sauce, some chili flakes, and a nimbu which I use instead of vinegar, which my mama suggested because vinegar is apparently not that good. So अभी मैं बनाऊंगी अपने fried rice. So please guys stay tuned कि exactly ये yummy fried rice बनते कैसे हैं. So let's just do it. So जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे ingredients are ready. They all are nicely chopped and everything is ready to go. बस अब मैं अपने fried rice बनाने के लिए तैयार हूँ. Kitchen is a little messy, so please forgive me for the messy kitchen and a little height of this camera. तो मैं डालूंगी थोड़ा सा oil, which is very very important. चावलों को ठंडा होना बहुत जरूरी है, and also make sure कि आप इस पे थोड़ा सा pepper, ग्राउंडेड पेपर, वो डाल दें. चावल अगर ठंडे नहीं होंगे तो चावल फिर टूटेंगे. I'm not gonna put onions in fried rice because I'm not too fond of onions in fried rice, so we're not gonna put that. Just put all my veggies and I'll make sure it's tossed really well.
मेरे अमेजिंग फ्राइड राइस तैयार हो गए हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने क्या किया. इट्स प्रीटी क्विक, प्रीटी अमेजिंग एंड इट हैज नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड इट इज सो गुड टू ईट. यू विल नॉट फील दैट यू आर ईटिंग मंचूरियन विद फ्राइड राइस. सो नाउ आई एम गोना बी टेलिंग यू एग्जैक्टली हाउ डू आई मेक माय मंचूरियन सो दैट यू गाइस कैन ट्राई, इंप्रेस योर बॉयफ्रेंड्स, इंप्रेस योर पार्टनर्स, इंप्रेस योर पेरेंट्स एंड इंप्रेस योरसेल्फ. लेट्स गो. सो एग्जैक्टली यही तरीका है. गैस ऑन हो चुकी है. यू विल पुट अ लिटिल ऑयल. जैसा कि आपको पता है मुझे हर चीज में जीरा डालने की बहुत आदत है, बट मैं जीरा नहीं डालूंगी यार. जीरा कैसे डाल सकते हैं? इट इज जस्ट सो अमेजिंग. तो मैं अपनी सॉसेस तैयार कर लेती हूँ. सबसे पहले, एज आई नो, माय पिज्जा टॉपर विच इज लाइक अ ओरिगैनो, वो तो इसमें डलता ही है, तो वो तो आप प्लीज डाल ही दीजिएगा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. खत्म भी हो गया, लाना पड़ेगा. थोड़ा सा ब्लैक पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट टैंगी फ्लेवर. इट इज लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड अब आप इसको अच्छी तरह से टॉस कर लो. इन द मीन वाइल ट्राई एंड पुट सम टमाटो सॉस, विच कैन बी एनी टमाटो सॉस, विथ सम जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट. तो वो मैं डाल देती हूँ. फिर मैं आपको ऊपर से थोड़ा सा दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली हमने किया क्या. ग्रीन चिली सॉस जरूर डालिएगा. ये चिंग्स की ग्रीन चिली सॉस है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट फॉर दैट एजनेस इन द फ्लेवर. You'll have to put your chili flakes, which is again very important, very very important. Gas thodi slow kar lo kyunki wo cheeze already cooked hain, so we don't need too much. And the fresh cut veggies, which I've already washed, which has spring onions, capsicum, and this whatever the green capsicum. Just keep tossing it. It's gonna look like this. So as you can see, okay? Keep tossing it. In the meanwhile, मैं अपने प्याज तो काट लूँ. प्याज तो मैंने काटा ही नहीं. प्याज तो बहुत जरूरी था, मैंने काटा ही नहीं प्याज. But that's fine. प्याज थोड़ा मोटा मोटा काटेंगे क्योंकि प्याज आपका मोटा मोटा ही डलेगा. इतना मोटा. The major प्याज that you guys have. We'll not cook the veggies so much because it is already too much. My KFC chicken is here. That pretty much looks like Manchurian only. That's called cooking smart, not cooking hard. Guys, gas चल रही है. हमने मैदे के अंदर 1 स्पून मैदे के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है. We'll not use corn flour because corn flour creates constipation and we don't want that. So ये मैदा का पानी थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा और इसको हम हिलाएंगे जब तक इसकी कंसिस्टेंसी थिक नहीं हो जाती. तब तक आप इसको मूव करते रहेंगे. एज यू कैन सी, अब आप बोलेंगे ये मंचूरियन तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर का हो गया, वाई हाउ कम. बट ये अभी इसके अंदर थोड़ी सी सोया सॉस डलेगी तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी वो होती रहेगी. ओके, इंस्टेड ऑफ कॉर्न फ्लावर यू नीड दिस लिटिल मैदा. इट्स बेटर. सो गाइस, चिकन डाल चुकी हूँ मैं. सॉरी, मैं रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल गई थी. एज यू कैन सी, इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है. इसकी कंसिस्टेंसी देखो. KFC का चिकन मैंने डाला था एंड नाउ इट्स लुकिंग सो नाइस, सो अमेजिंग एंड सो एडिबल. अब आप इसकी गार्निशिंग के लिए यू कैन पुट द स्प्रिंग अनियंस ऑन द टॉप एंड योर चिकन इज. सो गाइस, जैसा आपको पता है मैंने आज किचन का बहुत भरता बनाया है. सो आई विल हैव टू गो एंड क्लीन बिकॉज सूरज बहुत अपसेट होगा कि मैंने किचन का बहुत बुरा हाल कर दिया. बिकॉज मैं कुकिंग करती हूँ तो मैं ऐसी मेसी कुकिंग करती हूँ. तो आई होप आपको ये अमेजिंग डिश पसंद आई है क्योंकि मैं अभी नहीं खाऊंगी. आई एम गोना बी ईटिंग विद सूरज बिकॉज आई वांट टू इम्प्रेस हिम एंड आई वांट टू सी दैट इफ ही लाइक्स व्हाट आई हैड कुक्ड. तो अभी थोड़ी देर मैं रेस्ट करूंगी, सूरज को मिलेंगे एंड जब सूरज आएगा तो आपसे फिर बात करेंगे. आई होप आपको रेसिपी पसंद आई है. अगर किसी को अच्छी तरह रेसिपी पसंद नहीं आई तो प्लीज मुझे DM करना इंस्टाग्राम में, मैं आपको रेसिपी फॉरवर्ड कर दूंगी. हाय गाइस, तो फाइनली मुझे अपने चैनल पे आने का मौका मिला है बहुत टाइम बाद, बहुत दिनों बाद. शाम भी जैसा मेरा नसीब नहीं है यार कि लॉकडाउन हुआ है तो घर पे बैठी हुई है, एंजॉय कर रही है और ज्यादा उसको काम नहीं है. बट मुझे रोज काम पे जाना पड़ रहा है और मैं अभी अभी घर पे आया हूँ और अभी अभी मैं शावर लेके अभी अभी बैठा हूँ और मुझे पता चला है कि शामवी ने कुछ अमेजिंग खाना प्रिपेयर किया है. यार वाह, बीवी हो तो ऐसी. मैंने खाना प्रिपेयर किया है एंड अभी तक तुमने खाया नहीं है. अभी तक मैंने खाया नहीं है बट मैं अभी बहुत जल्दी खाऊंगा और मैं बताऊंगा कि
कैसा बनाया है उसने, बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. एक्चुअली मैंने पहले ये ट्राई किया हुआ है, शामवी ने ये दो चीजों में से एक चीज पहले बनाई है और मैंने ट्राई की हुई है और बहुत अमेजिंग है. बट जो दूसरी चीज उसने बनाई है आज, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. एक्चुअली आई थॉट कि सूरज को थोड़ा खुश कर दिया जाए ना, अब काम करके आता है तो ही शुड जस्ट ईट व्हाट ही लाइक्स टू ईट. सो जंक फूड हम बाहर का खा नहीं सकते अभी क्योंकि कोरोना थोड़ा सा है. तो मैंने सूरज को पूछा कि व्हाट यू वांट टू हैव, तो ही टोल्ड मी दैट ही वांट्स टू हैव मंचूरियन चिकन विद राइस. सो मैंने कोशिश करी आज बनाने की. मुझे ऐसा डाउट था कि ये मुझे बताया हुआ है कि हमने क्या क्या बनाया था. हाँ मैंने इनके सामने तो बनाया है, लाइक दे, मुझे लगा ये भी सरप्राइज है. आई थिंक बहुत से लोग शायद आज रेसिपी ट्राई करेंगे जब ब्लॉग आ जाए. मुझे नहीं पता था सॉरी. तो आप लोगों को पता है कि क्या है? वाओ, तो तुम्हारे लिए सरप्राइज था. मेरे लिए सरप्राइज था, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि शामी बनाने वाली है. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड तुम्हारे हिसाब से बनाए, लेस स्पाइसी. मैंने कोशिश करी है तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए. आई होप तुम इम्प्रेस हो जाओ आज. कितने कपल्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैरिड हो या अनमैरिड हो, डजंट मैटर, जो लड़कियां अपने पार्टनर के लिए या लड़का अपने पार्टनर के लिए कभी भी वो शाम को आए या कोई भी टाइम पे आए तो ऐसा कुछ सरप्राइज करता है या करती है, प्लीज कमेंट जरूर करके बताना. आई वॉन्ट टू नो कि क्या ये चीज बहुत, आई मीन नॉर्मल है, ऐसा चलता रहता है, होता रहता है, बिकॉज मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है. बट आई थिंक इससे भी ज्यादा आप सबको ये देखने में मजा आएगा कि किसी दिन सूरज मेरे लिए क्या बनाएगा. तो प्लीज वो भी कमेंट करना अगर आपको वो भी देखना है तो. वाई नॉट, किसी को नहीं देखना कि मैं क्या बना रहा हूँ. वाई नॉट, क्यों नहीं तुम बना रहे? बॉयज कुकिंग इज गुड स्टफ एंड यू कैन कुक. सारे के सारे जितने भी इस चैनल पे सब्सक्राइबर है सबको शामवी को ही देखना है. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. हाँ, है सबको सूरज को देखना है. नहीं, शामवी को ही देखना है. तो इट्स बेटर कि मैं बाहर जाऊं, मैं काम करूं और मैं घर पे आऊं तो शामवी कुछ कुक करके रखे. हाँ, क्यों नहीं. आई वुड बी, मेरे लिए अच्छा होगा. मुझे कुक करते हुए देखना है और तुम्हें व्लॉग्स में देखना, मुझे खाते हुए देखना. हाँ, जरूर खाते हुए देखेंगे. बट कमेंट करके जरूर बताना जो मैंने आप लोगों को पूछा है, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो. ऐसी आई जस्ट वॉन्ट टू नो. और जितने भी लोग कमेंट करेंगे इस बात को लेके, तो हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में उन्हें शाउट आउट देंगे. हाँ. जितने भी लोग जो मैंने आपको पूछा है अभी कमेंट करेंगे तो मैं जरूर, या शाम्भवी जरूर, अगर मैं नहीं हूँ उस व्लॉग में, शाम्भवी है, तो हम लोग शाउट आउट जरूर. अच्छा, दिस रिमाइंड्स मी, वी वांट मी एंड सूरज, अभी हम लोग, सूरज को भूख चढ़ी हुई है, ही इज सो टायर्ड, बट आई रियली वांट टू शो यू गाइज समथिंग. मेरे को स्पेशली उन लड़कियों को शाउट आउट देना है जिन्होंने मुझे लिटरली बताया था सूरज लास्ट व्लॉग में जब मेरे दाग रह गया था कि मेरा लिपस्टिक का दाग कैसे जाएगा. सो आई वांट मैंने कोई भी कमेंट्स पढ़े नहीं है, बट शामवी ने कमेंट पढ़े हैं और शामवी ने रिप्लाई भी किया है कमेंट्स पे. हाँ. तो आई डोंट नो क्या. एंड सिंधु जी, उसकी सरनेम है जी, आई डोंट नो पूरा नाम, बट सिंधु हैज रिप्लाइड मी हाउ टू टेक ऑफ माय स्टेन. शिखा बेरी हैज रिप्लाइड मी. देयर वाज अनदर वन हु हैज रिप्लाइड मी दैट हाउ टू टेक दिस स्टेन. आई थिंक इट वाज रंजना सईदा एंड या कपल ऑफ दीस पीपल हैव रिप्लाइड मी. और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ क्या रिप्लाई किया है, कि स्टेन कैसे निकालना है. कैसे निकालना है? किसी ने बोला कि फ्रीजर में रखो शर्ट को, किसी ने बोला कि फ्रीजर में रखो, किसी ने बोला ब्लीच लगाओ, किसी ने बोला नॉर्मल वॉश करो. सो ये सारी चीजें मैंने कोशिश करके ट्राई करी है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दाग चला गया है. दाग चला गया? वाह, थैंक यू सो मच. उस दिन जब ये दाग लगा था तब शामवी मुझ पे पड़ गई थी. मैंने और जबकि सर पे उठा दिया, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी इसमें यार. नहीं, तुम्हारी नहीं थी, वो लिपस्टिक ही ऐसे फ्लिप हो गई थी. बट आई वाज रियली रियली स्केयर्ड कि मुझे ज्यादा ये था ना सूरज की दाग, अगर मैंने उसको खुद वॉश करने की कोशिश करी और वो इधर उधर फैल गया तो और मुसीबत हो जाएगी. सो दैट पर्टिकुलर स्टेन, हू केयर्स यार, इट वाज अ न्यू शर्ट. अरे कपड़े तो हैं यार. बट यू डोंट, आई डोंट लाइक, इतना सीरियसली कौन लेता है यार. बट आई डोंट लाइक wasting money. Okay. You know, you call me person who is a little calculative when it comes to money and all. So No. I save money. You don't. Yeah. You have barakat in your hand. I don't know how, but I save also. No, you don't save. I save money. We both save money. टॉपिक से भटक रहे हैं. तो अभी खा के बताता हूँ कि ये जो शामी ने बनाया है वो कैसा है. वो खाओ तुम सब्सक्राइबर्स के साथ, तो मैं लेकर आती हूँ गरम गरम. So guys, खाना आ चुका है और खाना बड़ा ही अमेजिंग और लजीजदार लग रहा है. सो लेट्स
ट्राई इट आउट नाउ. आई एम सो सॉरी, मैं बेड पे ही खाना पसंद करता हूँ. जब मैं बहुत थका होता हूँ मुझे यू नो डाइनिंग टेबल और ये सब का फंडा समझ में नहीं आता. तो अगर किसी को ये बुरा लग रहा है कि मैं बेड पे क्यों खा रहा हूँ, सो आई एम सो सॉरी, बट मुझे बड़ा ही कंफर्टेबल लगता है बेड पे खाना. और जब तक कि कुछ बहुत मैसी नहीं है तब तक बेड पे खाना यार इट्स ओके यार, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो लेट्स ट्राई. Oh my God. ये तूने बनाया है? Yeah, of course. I can't believe this. तूने सच्ची बनाया है? होटल से नहीं लाई है तू? मैंने सबके सामने बनाया है यार, of course. Oh my God, it's amazing, superb. अगर आप लोगों ने, I mean, have you shown the entire recipe? Yeah, I've shown the entire recipe. Please, जितने भी लोग ऐसा खाना पसंद करते हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, ये वेजिटेरियन भी होता है? ये आप, you can use पनीर और टोफू instead. Yeah, please try it out. बना के देखो, खा के देखो, बहुत ही टेस्टी है यार. अमेजिंग यार. एक वो लगा दे क्या, ठेला टाइप, क्या बोलते हैं उसको, फूड ट्रक लगा दे. मेरा तो प्लान ही है आगे फ्यूचर में फूड ट्रक बनाऊं. यार कोई अगर मेलबर्न से देख रहा है तो यार हमको कांटेक्ट करो यार, हम लोग साथ में एक फूड ट्रक चालू करते हैं जिसमें हम ये बेचेंगे. सीरियसली आई थिंक इट्स अमेजिंग इंडो चाइनीज. I'm glad you liked it. दिल से बोल रहा हूँ, इट्स रियली रियली गुड. आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट. चलो फिर ब्लेसिंग दो और तुझे इनाम मिलेगा. ब्लेसिंग दो सर पे. क्या ब्लेसिंग दो? ऐसे रखते हैं हाथ. क्या ब्लेसिंग? हाँ बस ये गॉड ब्लेस यू बोल दो. गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस. बहुत टेस्टी है, प्लीज आप लोग ट्राई करना. और अभी मैं इसे खाता हूँ, एंजॉय करता हूँ. और ये एक्चुअली बहुत हेल्दी है. मैंने इनके सामने रेसिपी डाली है, इसमें कुछ आर्टिफिशियल स्टफ और बुलशिट है ही नहीं. No, it's really good, it's really good. तो इसीलिए जैसा तुम बोलते हो. तो आप लोग ये सब ट्राई करना. हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं और तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए. जो खा के स्वस्थ रहिए, खा के स्वस्थ रहिए, बना के व्यस्त रहिए और वैसे ही मस्त रहिए. हमें देख के मस्त रहिए. सी यू.